हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है प्रेगनेंसी में वो कितना होना चाहिए। जनरली आपको जब आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिलती है तो उसमें कई बार आप लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ लिखा होता है एडिक्वेट एमनियोटिक फ्लूइड, इसका भी मतलब आप में से कई लोग जानना चाहते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आज आपको इस वीडियो से। और दूसरा, आपके अल्ट्रासाउंड में कई बार आपको देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ये टर्म भी आपको मिलता है, ये भी क्लियर कर दूंगी आज की क्या होता है। और साथ में अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है तो उसके बारे में भी बताऊंगी, सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी होता है आपके गर्भ में, ये दो मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है या झिल्ली जैसी होती है उसको कोरियोन कहा जाता है, और उसके अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको एमनियोन कहा जाता है। एमनियोन और कोरियोन के बीच में कोई फ्लूइड नहीं होता है, लेकिन एमनियोन के अंदर यानी कि एमनियोन के अंदर जो खाली जगह होती है वो फ्लूइड से यानी पानी जैसे तरल पदार्थ से भरी रहती है, और उसी में आपका बच्चा बिल्कुल सेफली वहाँ पर होता है। तो ये जो पानी होता है ये बच्चे को शॉक से बचाता है, यानी कि झटके वगैरह, आप चलती हैं मूव करती हैं तो बच्चे को झटके वगैरह नहीं लगते हैं, चोट नहीं लगती है इस पानी की वजह से। इसके अलावा ये जो पानी होता है ये बच्चे को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखता है, उसका टेम्परेचर भी, उसके चारों तरफ जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये काम भी ये जो फ्लूइड होता है ये करता है। अब इस फ्लूइड की वजह से यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से जो एमनियोटिक सैक होता है वो डिस्टेंडेड रहता है, यानी कि थोड़ा फैला हुआ रहता है। इससे आपके बच्चे को थोड़ी स्पेस मिलती है अच्छी ग्रो करने के लिए, और वो फ्रीली मूव कर सकता है इस स्पेस में। तो ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है। इसके अलावा इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हालांकि कुछ नहीं होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है वो तो बच्चा आपके ब्लड के थ्रू ही लेता है, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो बेबी की नाभि से जुड़ी होती है वहाँ से आपका जो ब्लड होता है उससे बेबी न्यूट्रिशन लेता है मेनली। तो एमनियोटिक फ्लूइड की न्यूट्रिटिव इम्पॉर्टेंस एज सच नहीं होती है, हालांकि ये बच्चे को वाटर ज़रूर प्रोवाइड कराता है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के प्रेगनेंसी के दौरान। लेबर के दौरान भी एमनियोटिक फ्लूइड की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि लेबर के दौरान ये सर्विक्स को या बच्चेदानी के मुंह को खोलने में हेल्प करता है। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि जो गर्भनाल होती है उस पर दबाव नहीं पड़ने देता है ये फ्लूइड लेबर के टाइम पे। और जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड होती है और झिल्लियाँ आपकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती हैं और सारा का सारा फ्लूइड जो है एमनियोटिक फ्लूइड वो निकल जाता है, तो ये एक तरीके से जो पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू अभी बेबी को बाहर आना है उसको एक तरीके से साफ कर देता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इस फ्लूइड में। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी में भी और लेबर के दौरान भी। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है एमनियोटिक सैक में, ये एक सा नहीं रहता है, ये हर 3 घंटे पे पूरी तरीके से बदल जाता है। अब आप सोचेंगे ये आता कहाँ से है और जाता कहाँ है हर 3 घंटे में, तो ये आता यहाँ से कि ये थोड़ा तो जो मैटर्नल ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें से आता है, यानी कि माँ के ब्लड के थ्रू आता है, थोड़ा ये बच्चे के ब्लड के थ्रू आता है, थोड़ा ये एमनियोन से सिक्रीट होता है। इसके अलावा बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा परमिएबल होती है शुरू शुरू की स्टेजेस में, ख़ासतौर पे जो 20वां हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का, उससे पहले तक तो बच्चे की स्किन इतनी परमिएबल होती है कि स्किन के थ्रू भी ये फ्लूइड जो है वो ऊज आउट करता है। हालांकि 20वें हफ्ते के बाद बच्चे की स्किन जो होती है वो केराटिनाइज्ड हो जाती है, और उसके बाद बच्चे की स्किन के थ्रू वाटर इधर उधर नहीं जा सकता है। तो एक तो ये बच्चे की स्किन के थ्रू भी 20वें हफ्ते से पहले इधर उधर हो सकता है जो फ्लूइड होता है। इसके अलावा फिर ये बाद में करीब जब 12वां हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का, फिर जो बच्चे की किडनीज होती हैं वो फीटल यूरिन का आउटपुट भी देने लगती हैं, वहाँ पे यूरिन बनने लग जाती है बच्चे की 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद। तो उसके बाद ये बच्चे की यूरिन के थ्रू भी आता है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, काफ़ी मात्रा में आता है, और लंग्स में से भी ये पानी आता है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके सोर्सेज होते हैं जहाँ से ये पानी आता है। अब ये जाता कहाँ को है, कहाँ गायब हो जाता है, क्योंकि हर 3 घंटे में तो ये पूरी तरीके से बदल जाता है। तो जाता यहाँ है कि ये जो आपका बेबी होता है ये इसको ड्रिंक करता है, यानी कि पीता है इसी एमनियोटिक फ्लूइड को, इसी से उसकी वाटर सप्लाई जो होती है बेबी की
वो होती है, और उसके अलावा जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हैं इस फ्लूइड को। तो इस तरीके से ये हर 3 घंटे पे पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाता है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होना चाहिए। इसकी जो मात्रा होती है या जो वॉल्यूम होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, ये डिपेंड करता है कि बेबी की जेस्टेशनल एज कितनी है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी पुरानी है, उस पर डिपेंड करता है कि इसकी मात्रा कितनी होगी। तो अगर हम बात कर लें कि करीब 12वें हफ्ते पर जो आपकी प्रेगनेंसी का 12th वीक होता है, उस टाइम पे इसका अमाउंट करीब 50 मिलीलीटर के आसपास होता है। इसके बाद जब 20वें हफ्ते पे आपकी प्रेगनेंसी पहुंचती है, यानी कि 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक, इसका अमाउंट करीब 400 मिलीलीटर हो जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ता रहता है, और करीब जो 36 to 38 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है वहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम पहुँच जाता है, करीब 1 लीटर तक हो जाता है वहाँ पे। इसके बाद ये थोड़ा रिड्यूस करने लगता है, और फुल टर्म तक पहुँचते पहुँचते, यानी कि करीब 40th वीक तक पहुँचते पहुँचते, इसका अमाउंट 1 लीटर से घट के फिर 600 से 800 मिलीलीटर होता है। तो इस तरीके से इसका जो अमाउंट होता है थोड़ा सा वेरी करता है आपकी जो प्रेगनेंसी की एज है, जेस्टेशनल एज है बेबी की, उस पर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो जो आपको वॉल्यूम बताई है वो मिलीलीटर और लीटर के हिसाब से बताई है, लेकिन आपकी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स होती हैं उसमें जनरली लिखा होता है कई बार सेंटीमीटर्स में एमनियोटिक फ्लूइड। अब सेंटीमीटर में कैसे नापा जा सकता है? तो देखिए क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है उससे अनुमान लगाया जाता है कि कितना एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक सैक में भरा हुआ है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। तो इसका अंदाज लगाने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नापा जाता है। इसको कैसे नापते हैं कि जो आपका यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और हर हिस्से में जो सबसे गहरा पॉकेट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का उसको नापा जाता है कि वो कितनी गहराई है उसकी। फिर इन 4ों को ऐड कर दिया जाता है, और जितना सेंटीमीटर में वो गहराई निकलती है उसको एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहा जाता है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है ये आपका 5 सेंटीमीटर से लेके 24 सेंटीमीटर तक अगर है तो ये नॉर्मल रेंज होती है। 5 सेंटीमीटर से कम है तो भी प्रॉब्लम की बात है, और 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम की बात है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा है एडिक्वेट एमनियोटिक फ्लूइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो जितना होना चाहिए उतना ही है, यानी कि नॉर्मल रेंज में है, ना कम है ना ज़्यादा है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 5 सेंटीमीटर से कम है AFI, या फिर अगर 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा है AFI, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो इसके ऊपर तो मुझे पूरा अलग से वीडियोस 2 बनाने पड़ेंगे, तो उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएंगे दोनों वीडियोस। अगर आप जानना चाहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड हाई होने से क्या होता है या एमनियोटिक फ्लूइड लो होने से क्या होता है, तो इसके लिए आपको 2 अलग वीडियोस आप देख सकते हैं, और आपको एंड स्क्रीन पर इनके जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।